हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिका मीना। मैं अपने यूट्यूब चैनल आपकी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं रसगुल्ले बना रही हूँ और बताएं तो आइए हम देखते हैं हमें उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। ये मैंने आधा लीटर दूध लिया है, अमूल का फुल क्रीम मिल्क है ये। ये है विनेगर या नींबू का रस, आप जो भी ले सकते हैं दूध को फाड़ने के लिए। ये मैंने इलायची पाउडर लिया है पिसा हुआ, ये मार्केट में रेडीमेड आता है। ये रोज एसेंस है या केवड़ा एसेंस, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। और ये है एक कप चीनी और थोड़ा पानी लगेगा हमें। हम दूध को उबाल लेते हैं। दूध उबल गया है, अब हम गैस बंद कर देंगे। हमें इस दूध को कम से कम 80% तक ठंडा करना है। आप चाहे तो इसे पानी में रख के थोड़ा ठंडा कर सकते हैं या 5-1 मिनट इसको छोड़ सकते हैं गर्म करके ऐसे ही, या ऐसे चम्मच से हिलाते हुए ठंडा कर लीजिए। दूध ठंडा हो गया है 80%, अब हम इसे फाड़ लेंगे विनेगर से। हम इसमें विनेगर डालेंगे और देखेंगे ये फटा है या नहीं। इसमें विनेगर और डलेगा। इसमें हमने करीब 4 चम्मच विनेगर डाला है। अब ये फटना शुरू हो गया है, ये फट गया है आप देख सकते हैं। अब हम इसे छलनी के ऊपर एक मशीन क्लॉथ रखिए, कपड़ा रखिए, उसको छान लेंगे छेने को। हमारा छेना रेडी है। हमने फटे दूध को छलनी में छान लिया है, निकाल लिया है। जब इसका सारा पानी निकल जाए तो हम इसे एक बार फिर से साफ पानी से धोएंगे, क्योंकि इसके अंदर विनेगर और नींबू की खटास रह जाती है। अगर आप अच्छे पानी से इसे नहीं धोते हैं तो रसगुल्ले का सारा टेस्ट खराब करते हैं। इसलिए प्लीज आप इसे एक बार जरूर धोए अच्छे पानी से, फिर इसको अच्छे से छान छान कर इसका सारा पानी निकाल दें। हमने छेने में से सारा पानी निकाल दिया, अब इन्हें हम प्लेट में निकालेंगे। हमारा छेना तैयार है। हम इसे हथौले की सहायता से अच्छे से मैश करेंगे जब तक कि नरम आटे का डो जैसा नहीं हो जाए। इसे आप ऐसे ऐसे मैश कीजिए। अगर आप नहीं इतना मेहनत करना चाहते हैं तो आप मिक्सी में डाल के इसे फेंट सकते हैं। हम इस छेने में थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, अब इसे मैश करेंगे। हमारा छेना तैयार है, अब हम इसकी बॉल बनाएंगे। छोटी छोटी बॉल बनाएंगे क्योंकि पानी में डालने के बाद ये बॉल बहुत बड़ी हो जाती है। हमारी छेना बॉल्स तैयार हैं। ये आधा लीटर में 10 बॉल बनी है। अब हम गैस पर पानी चढ़ाएंगे। आज हम रसगुल्ले कढ़ाई में बनाएंगे। गैस ऑन करेंगे। इसमें हमें 2 बॉल पानी डालना है। हम इसमें 4 बॉल पानी डालेंगे और 1 कप चीनी। इसे हम उबालेंगे और शक्कर पिघलने तक ढक देते हैं। पानी उबल गया है, हम इसमें अपनी छेना बॉल्स डाल देंगे। हमने सारी बॉल्स डाल दी है। हमें इन्हें 15 मिनट तक ढककर उबालना है। 15 मिनट, 15 मिनट के बाद ही हम इसका ढक्कर हटाएंगे। आप देख सकते हैं रसगुल्ले भी 2 मिनट हुए हैं और रसगुल्ले कितने फूल गए हैं। इन्हें हमें 15 मिनट तक ऐसे ही बॉईल करना है। 5 मिनट हो गए हैं रसगुल्ले को उबलते हुए। देखिए रसगुल्ले कितना आकार बड़ा हो गया है रसगुल्लों का। रसगुल्ले को उबलते 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम ये फ्लेम बंद कर देंगे। आप इसे बिल्कुल भी ढक्कन ना हटाइएगा 15 मिनट, ये अपने आप इसे ठंडा होने दीजिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये सुकड़ते हैं। अगर आप इसे पहले से पानी में रख के ठंडा कर देंगे तो ये बैठ जाएंगे, ये रबड़ी हो जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए इसे अपने आप ही ठंडा होने दें। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आप इसे सर्व करें। और अगर इसे आप कल खाना चाहते हैं तो इसे 1 दिन पहले बना के रखें, तो ये अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब कर लेगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। रसगुल्ले ठंडे हो गए, अब हम इन्हें सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे रसगुल्ले तैयार। हम इसमें थोड़ा सा रोज एसेंस डाल देंगे। इसे आप ठंडा करके सर्व करें। और हम इसमें थोड़े से, मैंने एक कलर खोला हुआ था पीले कलर का, इसमें हम इसे बिंदी करके लगा देंगे।
आपके पास केसर हो तो आप केसर का दूध या केसर भी डाल सकते हैं। क्या आप देख सकते हैं कितने स्पंजी है ये देखिए, इसने वापस से पूरा सोख लिया पानी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।